और गोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है, जो कि नागपुर में मनाया जाएगा। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने हम तैयार हैं का स्लोगन दिया है। साथ ही 28 दिसंबर को होने वाली रैली देश की राजनीति में होने वाले परिवर्तन का शंखनाद होगा। उन्होंने कहा कि इस रैली में छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता नागपुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस जो कि महाराष्ट्र नागपुर में विशाल रैली के रूप में मनाया जा रहा है, और यह रैली 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज के रूप में है। हम तैयार हैं को लेकर हम ये प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि आतंकवाद से पीड़ित हैं लोग, देश में अराजकता फैली हुई है, सांसदिक मर्यादाओं पर हमला हो रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम ये आगाज़ करेंगे और जनता से ये अपील करेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस सरकार बनाए और जनता के हित में अपने कार्य कराए। इस उद्देश्य को लेकर और धार्मिक सौहार्द बनाए रखें जिससे कि इस देश का चहुंमुखी विकास हो, इस उद्देश्य को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई।